आज हम आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे कुछ हरियाणा सरकार का एक कुछ योजना आया हुआ है, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। ये क्या योजना आया हुआ है? योजना का नाम है चिराग योजना। योजना का नाम है चिराग योजना। इसमें क्या किया गया है, सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए देनी होगी फीस, जितने भी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ का जो दैनिक भास्कर पेपर है वो कह रहा है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, सरकारी स्कूलों में पढ़ने पर खुद देनी पड़ रही है 500 रुपया तक फीस, और प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेने पर 1100 रुपया तक फीस सरकार भरेगी। इसका मतलब समझाते हैं, जो आप अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके बच्चे, अगर आपका हरियाणा सरकार का कहना है अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे तो उसको 500 रुपया मंथली देना पड़ेगा हरियाणा सरकार को, यानी कि हरियाणा सरकार के जो शिक्षा विभाग है उनको 500 रुपया अब आपके बच्चे को देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा टर्मोलॉजी समझिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया है क्या, अगर आप अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाते हैं तो आपको मिलेंगे हरियाणा सरकार की तरफ से 1100 रुपये पर मंथ। इस चीज़ को, इसका टर्म्स समझिए, क्यों बोल रहा है कि सरकारी स्कूल में लगेंगे 500 रुपये और क्यों बोल रहा है कि यहाँ पे जाओगे तो 1100 रुपया मंथली, क्योंकि सरकार की मानसिकता है कि हमको आगे चल के सरकारी स्कूलों को बेचना है। क्या करना है, बेचना है। जितने भी सरकारी स्कूल है अभी चल रहा है, ये हरियाणा में चल रहा है, धीरे धीरे करके ये पूरे देश में लागू हो जाएगा यही नियम, ऐसे ही करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे 500 रुपये दे के अगर कोई भी आदमी है 500 रुपया देना नहीं चाहेगा, वो तो समझेगा मुझे 1100 रुपया मिले, 500 रुपया कोई भी है उसको देना भारी लगेगा, उसको लगेगा कि 1100 रुपया देगा किसी भी प्राइवेट स्कूल में हम अपने बच्चों को दाखिला करवा देंगे, इससे मुझे रुपया भी मिल जाएगा और प्राइवेट स्कूल में मेरे बच्चे भी पढ़ लेंगे। पहले तो दिमाग में यही सोच होगी, इसी सोच के वजह से धीरे धीरे जो स्कूल सरकारी स्कूल में बच्चे हैं यहाँ से निकल के प्राइवेट स्कूल में जाने लगेंगे, यहाँ से निकल के प्राइवेट स्कूल में चले गए, और प्राइवेट स्कूल में जाने के बाद जो यहाँ बच्चा ही नहीं बचेगा, सरकारी स्कूल में बच्चा ही नहीं बचेगा, तो ये क्या दिखाएंगे, सरकार क्या दिखाएंगे, हमारे पास बच्चा ही नहीं है, ये घाटे का सौदा हो रहा है, इसलिए हम स्कूल को जो है नीलाम कर रहे हैं। तो नीलाम कर रहे हैं कौन लेगा भाई, हम और आप खरीद नहीं सकते हैं, जिनके पास रुपया है वही खरीदेगा, और रुपया किनके पास है आप लोग खुद जानते हैं, अडानी के पास है, अंबानी के पास है, इन्हीं सब के पास है, यही सब खरीदेंगे। तो ये 500 ये एकाएक बंद नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि ये जस्ट लागू हुआ एक दो साल तीन साल में बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं, धीरे धीरे ये सारे विद्यार्थी जितने भी हैं सारे जब प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे दिखाएंगे कि हमारा जो ये शिक्षा विभाग है बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहा है। किसके तरह, जैसे BSNL को दिखाया गया, जैसे BSNL को 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया था, इसी वजह से BSNL पीछे हो गए, और दिखाया कि हमारा BSNL जो है बहुत घाटे में चल रहा है, इसलिए हम BSNL को बंद कर दिए और BSNL का नीलामी हो गया। इसी तरह से हमारे जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनको भी इसी तरह से टर्मोलॉजी किया जाएगा। जैसे हम लोगों को एक और प्रलोभन दिया गया था, क्या प्रलोभन दिया गया था, गैस के बारे में दिया गया था, जो गैस उस टाइम पे 400 रुपए की मिलती थी उनको बोला गया क्या, सब्सिडी उस टाइम पे एकाएक बढ़ाया गया, और बढ़ा के उसका रुपया कितना कर दिया गया, 750 रुपये कर दिया गया, 800 रुपये फिर किया गया बाद में। लोगों ने हंगामा जब किया तो उन्होंने बोला क्या, नहीं नहीं हम 750 नहीं ले रहे हैं, हम 400 ही ले रहे हैं भैया, हम 750 या 800 नहीं ले रहे हैं, हम 400 ले रहे हैं, पिछली सरकार की तरह ही ले रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बिचौलिया जो आदमी आ रहा है उनको खत्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बीच में जो आदमी आ रहा है उसको खत्म कर रहे हैं, डायरेक्ट 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 जो सरकार का जो
इसमें प्रॉफिट होगा, ये टर्मोलॉजी देके कि हम सब्सिडी लौटा देंगे, सब्सिडी के तौर पे आपको 350 रुपया या 400 रुपये सब्सिडी के तौर से आपके खाते में रिटर्न चल जाएगी। ऐसा टर्म्स लाया, लोगों ने भी विरोध नहीं किया। क्यों नहीं विरोध किया? अरे क्या बात है, मेरे खाता में हम गलत नहीं है, मेरे खाता में रिटर्न आ जा रहा है, रुपया हमको उससे क्या मतलब है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 750 का हुआ, 350 रुपये, 400 रुपये सब्सिडी देते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, गैस कितना हो गया 900, 1000, फिर अभी कितना है 1150 रुपये, और उसमें सब्सिडी कितने दे रहे हैं 75 रुपये। और क्या नारा दिया, सबसे बड़ा नारा क्या था, जितने भी सब्सिडी आपको संभव हो तो आप सब्सिडी को छोड़ दीजिए। और बहुत सारे लोगों ने मान के, बहुत सारे लोगों ने सब्सिडी को छोड़ा भी है, जितने बहुत सारे लोगों ने सब्सिडी को छोड़ा, लेकिन फिर भी टर्म्स क्या आ गया, अब जो गरीब है 1150 रुपया में कहाँ से कोई सिलेंडर भरवा पाएगा, सबका सिलेंडर गांव में ऐसे रखा हुआ है। उसी तरह तर्ज पे लाएगा सरकारी स्कूल, रेलवे को तो बेच ही दिया, रेलवे बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया, बहुत सारे मतलब स्टेशन को बेच दिया गया। सबसे पहला स्टेशन है हबीबगंज स्टेशन है भोपाल का, जिसको सबसे पहले प्राइवेट किया गया है। इसी तरह से अब सरकारी स्कूलों पे उसका नजर है। अब देखिए पुलिस विभाग का भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है जो कि प्राइवेट के हाथों में दे दिया है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जितनी भी सरकार की संपत्ति, सरकारी संपत्ति थी, उनको प्राइवेट के हाथों में दे रहा है। इन पे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों, तो ये 500 रुपये, ये 1100 रुपये, 500 रुपये भारी लगा, 1100 रुपये तत्काल लेना आसान लगा है, इसीलिए क्योंकि हम लोगों को धीरे धीरे लोभ दिया जाता है और उसी लोभ में जाके फंस जाते हैं। इसी तरह से इस टर्म को समझ लीजिए, क्योंकि अगर इस टर्म को नहीं समझ पाए तो हमारे जितने भी सरकारी विद्यालय हैं पूरे भारत में वो प्राइवेट होके ही रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए इस लालच में जितने भी हरियाणा के भाई बंधु हैं वो ना फंसे, 500 रुपये 1100 रुपये के लालच में ना फंसे, इनको समझे। इस योजना का तो मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, अगर किसी को समझ में आया हो तो वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताए कि ये योजना है क्या एक्चुअली में। बिल्कुल इस योजना का जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी को घाटे हुआ है तो वो जो गरीब तबके का लोग है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए मुझे तो ये योजना ही समझ में नहीं आया कि सरकार करना क्या चाहता है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस योजना के बारे में कुछ समझ में आया हो तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा जरूर। ऑल द बेस्ट।